Hare Krishna.
कृपा करुणा के धनीभूत यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा सह परमाध्यक्ष जगदाधार जगदीश जगन्नाथ प्रेम जीवन धन राधा माधव सरकार प्राण जीवन धन सीता राघव सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद भागवत महापुराण का गायन करने वाले परिपराज का आचार्य परमहंस अवधूत शिरोमणि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के पावन चरणों में वंदन करते हुए जिनकी छत्र छाया में हम लोग विराजमान होकर श्रीमद भागवत कथा का आश्रय ले रहे हैं, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय वैष्णव प्रभूषण स्वनाम धन्य आनंद पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री बालकानंद गिरिजी महाराज के पावन चरणों में वंदन करते हुए जिन्होंने प्रयाग की भूमि में इतना बड़ा अवसर प्रदान किया जहां की इस धरा में प्रवेश करने के लिए देवता लालायित रहते हैं। यदि आ भी जाते हैं तो देवता कथा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि देवता स्वार्थी है। कथा का लाभ तो वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में परमार्थ है। उपस्थित सभी संत महापुरुष आचार्य विप्रबंध तथा यजमान भक्तवृंद श्रद्धा में ममता में माताओं बहनों आप सबका कथा के तीसरे सत्र के क्रम में प्रयाग की धरा में अर्ध कुंभ के इस पावन क्रम में अभिनंदन करते हुए आए, भाव के साथ प्रवेश करें। जहां की आप कल श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी के जन्म कर्म की कथा, सुत जी कहते हैं सोनक यस्या वै श्रूयमाणा कृष्णे परमपुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंसा उत्पद्यते शोक मोह भया। यस्या वै श्रूयमाणा नाम जिनके श्रवण मात्र से शोक और मोह की समाप्ति हो जाती है, संसार का भय समाप्त हो जाता है, भक्ति उत्पन्न होती है। वो क्या है जो शोक मोह और भय से हमारी निवृत्ति कर देती है? वो है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी ने बिना अध्ययन अध्यापन के, सुखदेव जी किसी स्कूल में नहीं गए, गुरुकुल में नहीं पढ़े, केवल पिता के सानिध्य में रहकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया।
और वो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। प्रश्न ये उठा कि परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट है, जिसको इतनी बड़ी व्यवस्था देखनी है, उसके पास समय कहां है कि बैठ करके कथा श्रवण कर सके। तो महाराज, जहां से महाभारत का एंड होता है वहीं से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ होता है। यदा मृदे कौरव गतिं गते ब्रकोदरा विद्गदाभिमर्श भगनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे भगनो धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव संजया। महाभारत के युद्ध के उस क्रम में, अंतिम दिन के युद्ध में, ब्रकोदर भीम ने दुर्योधन की जगह में गदा का प्रहार किया। भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र, दुर्योधन धराशायी हो गया। विजय श्री का शंख बज गया। पांडव अपने शिविर के लिए वापस होने लगे, शिविर में पहुंच गए। इधर रात्रि का समय हुआ। दुर्योधन युद्ध की भूमि में पड़ा कराह रहा था, वहां पर अश्वत्थामा पहुंच जाता है और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र देख, तुझे एक भी समझ नहीं आया, मैं अमर हूं, मैं अश्वत्थामा हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, तुझे नहीं पता था। अरे तू मुझे एक दिन सेनापति तो बना देता, और मुझे सेनापति बनाता तो मित्र तेरी ये दुर्गति नहीं होती। दुर्योधन ने कहा, मित्र जो होना था सो हो गया, अब व्यर्थ की बातें करने से कोई काम नहीं बनने वाला है। अश्वत्थामा ने कहा, नहीं, अभी भी यदि तू मुझे सेनापति बना दे, सेना बची नहीं और सेनापति बनने के लिए लालायित थे। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, तो करेगा क्या? बोले, जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम मैं करूंगा। क्या काम करेगा? बोले, मैं पांचों पांडवों के शीश काट के तेरे सामने रख दूंगा, ये काम करूंगा मैं, अश्वत्थामा हूं। दुर्योधन ने कहा, ठीक है। रोली मोली पान सुपारी तो वहां थी नहीं, छत्री ने अपने अंगूठे को चीर करके रक्त से तिलक कर दिया, माथा घूम गया, चल पड़ा महाराज। रास्ते में इसके मन में आया कि अरे, पांडवों को मारना इतना आसान है, क्योंकि जिसके रक्षक हैं भगवान, जिसकी रक्षा हजार हाथ वाला करता है उसे दो भुज वाला कैसे मार सकता। जिसके रक्षक हैं भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जग में जगन्नाथ का दास किसी से हार नहीं।
खा रहा था। इसने उल्लू को गुरु बना लिया, पांडवों को मार करके उनका शीश लेके आ जाओ, चल पड़ा महाराज उधर। शाम के समय भगवान द्वारिकाधीश ने युधिष्ठिर जी से कहा, भ्राता श्री, आज आप अपने शिविर में नहीं सोएंगे पांचों। युधिष्ठिर जी ने कहा, एक रात की बात है, आपकी कृपा से महाभारत जैसे युद्ध में विजय, बहुत बड़ा खिताब मिले, कोई बहुत बड़ा पद मिले, कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिले, उस दिन उसको रात्रि में सोने का स्थान बदल देना चाहिए। भगवान कहें ये ना माने, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यदि समर्पण देखना है तो पांडवों का मरा। भक्तमाल में जब भगवान की व्याख्या की प्रियादास जी ने, बड़ी अद्भुत बात, सोई भाग्यवंत भक्त प्रीति को विचार कर, अरे दूर इस साज से पांडवन सो करी। ईश्वर ताई को भगवान ने खूंटी में टांग दिया, किसके लिए? पांडवों के लिए। सबने विश्राम किया, पर जिस शिविर में पांचों पांडवों सेन करते थे, उस शिविर में द्रौपदी ने उन पांचों बालकों को सेन करा दिया, जो पांचों से द्रौपदी को प्राप्त थे। भीम का बालक भीम जैसा, अर्जुन का बालक अर्जुन जैसा, पांचों बालकों को सुला दिया। ये कह के सुलाया, बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जगना होगा, क्योंकि हमें हस्तिनापुर जाना होगा, प्रातः काल तुम्हारे पिता श्री का राज्याभिषेक होगा। रात्रि में अश्वत्थामा पहुंचता है, पांचों बालकों को पांचों पांडव समझ करके और उनके शीश काट लेता है। शीश काट करके दुर्योधन के पास ले जाता है, मित्र देख, जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम करके मैं आया। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई, मित्र जल्दी कर, जल्दी कर, भीम का सर दे दे,
क्योंकि भीम के साथ में उसकी ज्यादा खुन्नक थी। जैसे महाराज वो भीम के बच्चे का सर था, उसको हाथ में लिया, दुर्योधन को वो हल्का हल्का लगने लगा, दुर्योधन को वो हल्का लगा, दुर्योधन ने ऐसे दबाया जैसे टमाटर फूट जाता है, ऐसे फूट गया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ये भीम का सर नहीं हो सकता। अरे अश्वत्थामा, तूने हमें समूल नष्ट कर दिया, इन्हीं बच्चों से तो तर्पयामी तर्पयामी की इच्छा थी, अरे तूने तो हमें समूल नष्ट कर दिया। दुर्योधन को वरदान था कि तेरे जीवन में जब सुख और दुख दोनों एक साथ इकट्ठा होंगे तब तेरी मृत्यु होगी। पहले सुख हुआ, पांचों पांडव मारे गए, फिर उन बच्चों के मरने का दुख हुआ, दुर्योधन की मृत्यु होगी। इधर महाराज प्रातः काल की बेला होती है, द्रौपदी जब अपने उन पांच बालकों को जगाने के लिए बड़े भाव में जाती है, और द्रौपदी ने जब पांचों के धड़ देखे, सर का पता नहीं, मां की ममता फूट पड़ी। द्रौपदी रोने लगी, चीखने लगी। द्रौपदी की पुकार सुनकर के पांचों पांडव वहां पहुंचे। अर्जुन ने जैसे देखा, अर्जुन समझ गया कि यह काम अश्वत्थामा के सिवा कोई नहीं कर सकता। अर्जुन चल पड़े द्रौपदी को यह कहकर कि मैं तेरे पुत्र के हत्यारे को अभी लेकर के आता हूं। जैसे चले महाराज, अश्वत्थामा ने अर्जुन को दूर से देखा, अश्वत्थामा घबरा गया, भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। यद्यपि अश्वत्थामा अमर है, पर उस अमर अश्वत्थामा को यह लगने लगा कि अर्जुन मुझे मार देगा। तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। नहीं, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र की क्या आवश्यकता था, जब अमर था। अमर को मरने का डर दिखाई देने लगा, क्यों? क्योंकि उसने काम ऐसा किया था। कोई कितना बड़ा धर्ममान हो, प्रतिष्ठावान हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो, परंतु जब कोई बुरा कार्य करता है तब उसका विल पावर खत्म हो जाता है। और ये जो विल पावर है जिसे आप आत्मबल कहते हैं, ये आइटम बम से भी खतरनाक होता है। सदाचार के द्वारा आत्मबल की प्राप्ति हो। जैसे उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, क्या करूं? भगवान ने कहा, तू भी छोड़। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ने लगे। तब भगवान ने कहा, अर्जुन इसके पिता ने वो विद्या वो ज्ञान इसे नहीं दिया जो तुझे दिया है, इसे चलाना सिखाया है, वापस करना नहीं सिखाया। तो एक काम कर, तू वापस कर ले। और महाराज अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को संवरण कर लिया, पकड़कर अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास में अर्जुन ले जाते हैं। जैसे द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को, निरीच कृष्ण प्रकटम गुरु सुतो बामा स्वभाव कृपया नन। जैसे द्रौपदी ने देखा कि ये गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है, स्त्री स्वभाव के विपरीत बात कही, मुच्चता मुच्चता में सब, अर्जुन छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, गुरु का बेटा है, अर्जुन क्या इसको मारकर मेरे आंसू पोंछ सकते हो?
याद आएंगे, मेरे आंख में आंसू चलेंगे। अर्जुन, यदि एक मां के आंसू तुम पोंछ नहीं सकते हो तो दूसरे मां के आंसू बहाने का अधिकार तुमको नहीं है। यह है द्रौपदी। छोड़ दो, छोड़ दो। जब द्रौपदी ने छोड़ने की बात कही, अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से पूछा, दादा आपकी क्या राय है, धर्मराज है। युधिष्ठिर जी ने कहा छोड़ दो। भीम से पूछा, भीम ने कहा मारो, नहीं मुझे दो। नकुल से पूछा छोड़ दो, सहदेव से पूछा मार दो। आधे वोट छोड़ने के और आधे वोट मारने के जब पड़े तो अर्जुन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर देखा। भगवान श्याम सुंदर विराजमान थे, अर्जुन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर देखा, आपका क्या निर्णय है। भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, अरे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर नहंतव्या। अर्जुन, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। आतताई वधारणवा, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। सोए हुए को मारना, रास्ते में गड्ढा खोद देना, किसी के घर में अकस्मात आग लगा देना, ये सब आतताइयों के काम है। और आतताई वध के योग होता है। आतताई का वध करने में पाप नहीं लगता। एक बार अर्जुन तो समझ नहीं पाए, उधर कहते ब्रह्म बंधुर नहंतव्या आतताई वधारणवा। तो यदि ये नारायण है तो अर्जुन भी नरा अवतार है। अर्जुन समझ गया इनकी भाषा, ये कहना चाहते हैं कि मार भी दो और छोड़ भी दो।